अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, फोर प्ले एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सब लोग मर्दों से ही जोड़ते हैं। यानी अगर फोर प्ले करना है तो मर्द ही करें। यानी जो मर्द फोर प्ले करता है वो मर्द है, जो मर्दानगी दिखाता है वो मर्द है। बिल्कुल मानने वाली बात यह है कि मर्द जल्दी तैयार हो जाते हैं जबकि औरतों को कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरतें फोर प्ले नहीं कर सकती। बल्कि औरतें अगर फोर प्ले करें तो इनका मर्द कभी भी तनाव की कमी या जल्दी डिस्चार्ज का शिकार नहीं होगा। मर्दों में तनाव की कमी मतलब मर्द का सेक्स में मूड ठीक नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, या तो इसका जहन ठीक से पुरअतमाद नहीं। याद रखिए, जो बीवियाँ चाहती हैं कि इनके मर्द के नफ्स लोहे की तरह हो जाएं और तन जाएं, इन औरतों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि फोर प्ले। फोर प्ले मतलब अपने शोहर के जिस्म को, इसके सेंसिटिव आज़ा को छूना, चूमना, सहलाना वगैरह। तो आज मैं इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि औरतें अपने शोहर का मूड बना सकती हैं, कैसे फोर प्ले कर सकती हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए, शोहर सेक्स के लिए फुल पावर इकट्ठी कर ले और नफ्स शदीद अकड़ाव में आ जाए। तो मैं बात कर रही थी कि औरतें कैसे फोर प्ले करें, जैसे कि मर्द फोर प्ले कैसे करे, अपनी बीवी को अराउज कैसे करे। इस पर तो मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये पहली बार मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपकी सेक्स पार्टनर यानी आपकी बीवी आपके साथ फोर प्ले कैसे करे। दरअसल होता क्या है कि औरत सांप की तरह लेटी रहती है, जो भी करता है वो मर्द करता है, औरत कुछ नहीं करती। अब औरतें क्या और कैसे कर सकती हैं, जैसे कि मर्द की चेस्ट यानी इसकी छाती पर जहाँ जहाँ बाल होते हैं वो हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस पर सहलाने, हाथ फेरने से, अपने होंठ लगाने से मर्द बहुत जल्द स्टिमुलेट हो जाता है। आपके मुंह से निकलने वाली सांसें जब इसकी छाती पर लगती हैं तो मर्द को बहुत जल्दी स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा इसकी गर्दन की साइडों पर चूमना, अपनी सांसों की हवा इस जगह पर मारना मर्द को बेखुद कर देता है। अच्छा, अगर औरत से मर्द के सर के बालों को सहलाए, सर पर हाथ फेरे, तो भी वो औरत से बहुत मज़ा लेता है। मर्द की कमर पर, इसके कूलों पर हाथ फेरना, जब मर्द आपके ऊपर लेटा हो तो मर्द को अपनी बाहों में लेकर दबाना, अपनी टांगों से इसके गिर शिकंजा डाल देना मर्दों को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट और अट्रैक्ट करता है। फ्रेंच किस करना, इसके होंठों और ज़बान को चूसना शदीद अमल है जिससे मर्द का मुर्दा नस भी झट से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। मर्द की रानों पर हाथ फेरना या फिर चूमना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मर्द के कानों की नरम नुओं को चूमना, इसको चूसना, हल्के हल्के दांत से और सांस से सहलाना मर्द को बेकाबू कर देता है। मर्द को भी ये सब चाहिए होता है। देखिए, अगर आप इसकी अपनी बीवी इसके साथ अधूरा सेक्स करती है तो वो कहीं और से पूरा करेगा। अगर इसकी अपनी बीवी इसके साथ भरपूर सेक्स करती है, इसके साथ साथ ऐसे सेक्स करती है जैसे कोई और इसके साथ नहीं कर सकता, तो यकीन माने वो कभी किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं, बल्कि हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। इसको इस बात का पक्का यकीन हो जाएगा कि इसको सेक्स में किसी और के साथ मज़ा आना ही नहीं है। अपने आप को ऐसा नशा बना ले कि मर्द आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपसे दूर ना रह सके। और ये सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब आप इसको अपने होने का एहसास दिलाएं। ऐसा नहीं हो जैसे किसी प्लास्टिक की डिमी के साथ वो सेक्स कर रहा है, जो बस टांगे ऊपर उठाकर ये सोच रही है कि बस फारिग हो और जान छूटे। मर्द के साथ औरतें ऐसा सब कुछ करने से शर्माती हैं, जबकि अपनी असल शर्मगाह को खोल कर इसके सामने रखने में नहीं शर्माती। ये बहुत अजीब लॉजिक है। वो आम मिसाल दी जाती है कि नाचने ही लगी पड़ी हो तो घूंघट कैसा, जब कर ही रही हो तो फिर अपना हिचकिचाना और शर्माना ख़त्म करे, जिससे इसका मर्द भी मज़ा करे, इसे खुद से भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा फीका और बेजान सा सेक्स तो इंतहाई बोरिंग और बदमज़ा होता है। तो कोशिश करें कि मर्द को बराबर मज़ा दें। ये काम बिल्कुल सिर्फ एक मर्द का नहीं है कि वो अकेला ही इस अमल में लगा रहे और औरत बिल्कुल बेजान होकर लेटी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सेक्स में जान डालिए, इसके लिए वाज़े इजाज़त दी गई है इस्लाम में कि तुम औरत के जिस्म से खेलो और वो तुम्हारे जिस्म से खेले। दुनिया भर में वाहिद एक मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के जिस्म का मालिक होता है। बीवी शोहर के जिस्म की मालिक है और शोहर बीवी के जिस्म का मालिक है। वो एक दूसरे को भरपूर इंजॉय करें। ये थी आज की स्पेशल फॉर मोमेंट वीडियो। इसको लाजमी अपनी बीवियों को दिखाएं ताकि इनकी समझ में आ जाए कि शोहर के साथ फोर प्ले करना, इसको भरपूर सेक्स का मज़ा देना, इसके लिए हर तरह से कितना फ़ायदेमंद है। अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।